हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ किरण और आज मैं आप लोग के सामने इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने मूंग दाल हलवा रेसिपी शेयर की है, लेकिन ये इंस्टेंट मूंग दाल हलवा है जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसमें हमें मूंग दाल को बिल्कुल भी भिगोना नहीं पड़ता है बहुत देर के लिए, तो इसको झटपट बना सकते हैं आप। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में है हमने घी डाल दिया है। घी इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी पड़ता है, तो मैं लगभग 3 से 4 चम्मच घी डाल रही हूँ और घी को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, उसमें हम फिर डालेंगे हमारा ये मूंग दाल। तो मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है, लगभग 250 ग्राम हो सकता है। इसको आप मेज़र करें तो 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम हो सकता है। तो इन्हें इसको हमें सबसे पहले अच्छे से भूनना है कढ़ाई में। तो अच्छे से भून ले पहले। भूनते भूनते देखिएगा कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। तो गैस हम बंद कर देंगे और इसमें जो हमें एक्स्ट्रा घी था उसको हमें छान लेना है छन्नी की सहायता। तो ध्यान रखें, इसमें लोहे वाला छन्नी यूज़ करें, प्लास्टिक वाला यूज़ करेंगे तो वो जल जाएगा क्योंकि घी हमारा बहुत गर्म होता है। तो इस तरह से छानने के बाद इतना घी बच गया है और इसके बाद छना हुआ जो हमारा मूंग दाल था उसको ठंडा करके मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और सेम कढ़ाई लेंगे हम, उसमें हम फिर से आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सेम घी हम यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा और इसमें 2 से 3 चम्मच, अगर घी का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है तो मूंग दाल हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो और 2-3 चम्मच हम घी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मेल्ट करने दे। मेल्ट होने के साथ ही इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो हम ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स को क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो इसमें हम मैं काजू ले रही हूँ, काजू को भून लेते हैं। थोड़ा भूनने से क्या होता है, अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ किशमिश। आप इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, कोई सा भी। तो किशमिश हमारा भुना चुका है, काजू हमारा भुना चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और हमारा जो बचा हुआ घी है उसी में हम अपना नेक्स्ट का प्रोसेस करेंगे। तो हमने जो मूंग दाल को ग्राइंड किया था, भुना हुआ मूंग दाल को, उसको हम डाल देंगे इस पैन में, कढ़ाई में, और फिर उसे हमें चलाना है। इसको चलाना है लगभग, आप इसको कलर चेंज होने तक चला सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पहले ही भुना है। तो लगभग और 2 से 3 मिनट चला करके इसे हमें भून लेना है, बिल्कुल करज जैसे आपको लगे कि कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसी टाइम हम इसमें ऐड करेंगे हमारा दूध। दूध आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा रख सकते हैं, इसकी जगह पर आप जो है कंडेंस्ड मिल्क भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो मैं दूध ही ऐड कर रही हूँ। तो दूध मैंने लगभग 1/2 लीटर दूध लिया है। दूध की क्वांटिटी देने से क्या होता है कि स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो धीरे धीरे करके दूध हम इसमें ऐड करेंगे, एक साथ डालेंगे तो लम्स पड़ने का देर वो लगता है। तो हम धीरे धीरे करते हुए हम अपना सारा आधा किलो जो आधा लीटर दूध है उसको हम इसमें ऐड करेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए इसे हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा मूंग दाल जो है दूध में मिक्स हो चुका है और इसे हमें चलाते हुए अच्छे से क्वांटिटी को कम करना है जब तक ये हमारा ड्राई ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है और उसमें हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से, स्वाद के हिसाब से चीनी और डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें इलायची क्रश करके, 4-5 इलायची क्रश करके डाल दिया है। और चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, इसके पहले मैं दूसरे DSLR से रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, DSLR का बैटरी सडनली कम हो गया तो फिर मुझे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है पकड़ के। तो इसलिए इस तरह से आपको थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें हमने चीनी डाल दिया है। चीनी मैंने लगभग 200 ग्राम लिया था, 200 से 250 ग्राम, आप उससे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची 4 से 5 क्रश करके डाला है और इस तरह से हमें पकाना है। आप देख सकते हैं चीनी बहुत ही अच्छे से पिघल चुका है और बहुत ही अच्छा हलवा दिख रहा है। कंटिन्यू हमें इसे चलाना है जब तक कि हमारा हलवा का कंसिस्टेंसी ना हो जाए। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं दाना दाना दिख रहा है इसका। तो इसी टाइम हम ऐड करेंगे हमारा जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स था, भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश डाल देंगे और फिर मिला देंगे।
तो हमारा देख सकते हैं कि मूंग दाल जो है बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंसी हो चुकी है, जो हलवा का एक होता है, और देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और यमी लग रहा है। ऑलरेडी ये हमारा पैन छोड़ रहा है, आप साइड से देख सकते हैं, बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है हलवा हमारा। तो हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आप लोग के साथ शेयर की है इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और यम्मी बना है। तो उम्मीद है आज का ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।